ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरीब बीमार आदमी जगदेव सिंह जिसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, वह बाजार से जाते समय थककर कुछ देर के लिए रास्ते में छाया देखकर बैठ गया। जहां वह बैठा था उस जमीन के मालिक ने उसके बैठने पर एतराज जताया और उससे मारपीट भी की। प्रभावित व्यक्ति उसे अपनी स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी देता रहा, लेकिन जमीन के मालिक ने उसकी एक न सुनी, उससे बदसलूकी करता रहा। जगदेव सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। गरीब बीमार आदमी जगदेव सिंह जिसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, वह बाजार से जाते समय थककर कुछ देर के लिए रास्ते में छाया देखकर बैठ गया। जहां वह बैठा था उस जमीन के मालिक ने उसके बैठने पर एतराज जताया और उसे मारपीट भी की। प्रभावित व्यक्ति उसे अपनी स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी देता रहा, लेकिन जमीन के मालिक ने उसकी एक न सुनी और उसे बदसलूकी करता रहा। जगदेव सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। मारपीट होने से जगदेव सिंह की तबीयत बिगड़ गई और नौबत यहां तक आ गई कि उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अधिक जानकारी देते हुए अस्पताल के समीप चाय बेचने वाले प्रभावित जगदेव सिंह ने आपबीती सुनाई और कहा कि उसका सोलन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और 20 दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वह घर जा रहा था तो कुछ देर के लिए छाया में बैठ गया, लेकिन जिस जमीन पर बैठा था उसके मालिक ने उससे अकारण ही मारपीट शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी भी इसका इलाज चल रहा है। जगदेव ने बताया कि उसने आरोप के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मैं 20 दिन बाद हॉस्पिटल से क्वार्टर गया नड़ो गांव में, और अगले दिन मैं दूध के लिए झोनज रोड आया और वहाँ से वापस दूध लेके वहाँ क्वार्टर के साथ ही पानी का नाला था और छांव थी पेड़ की, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उतने 10 मिनट मुझे बैठे हुए थे, उतने को पर से कोई व्यक्ति आता है जिसको कि मैं ना जानता था, और उसने मुझे कहा कि कौन है तू, कहाँ से आया, क्यों बैठा हुआ यहाँ पर। मैं कहा जनाब मेरा मदनलाल जी की बिल्डिंग में रूम है और मैं किराएदार रहता हूँ, मेरा ऐसे ऑपरेशन हुआ, मैं इसलिए छाव में रिलैक्स होने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि उठ यहाँ से, बोले मेरी पर्सनल लैंड है, मैं नहीं मानता। मैं कहा जनाब आप चलिए मैं आ जाऊँगा, कि ज़्यादा बकवास करता है। और उसने सीधे मेरे मुंह पे 2-3 थप्पड़ मार लिए और मैंने बोला मेरा ऑपरेशन हो रहा है मुझे मत मार, केवल तेरा ऑपरेशन मैं करता हूँ ठीक। इसने मुक्का मारा जैसे मैंने हाथ आगे रख लिया और मेरे मुझे धक्का भी दिया और मेरे ऑपरेशन में दर्द हो गया। उसके बाद फिर उसने बाजू से खींचता हुआ मुझे सड़क तक लाया। फिर पुलिस वाले ने कहा कि आपने कल आ जाना, उनको भी बुला लेंगे। तो कल करते करते 9 दिन बीत गए, ना मुझे बुलाया गया और ना ही कोई मुझे संपर्क किया गया। 2 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल आया, मेरे ऑपरेशन में दर्द हो गया, स्वेलिंग आ गई, तो डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया 123 अटवाल जी को, तो गुम चोटें पाई गई और 15 दिन का बेड रेस्ट दवाइयाँ दी गई।